गाइस ये पूरा का पूरा मैदान घूमने के बाद यहाँ पर आ गई है इलेक्ट्रिक रिक्शा हमारी। और चलिए जयदीप भाई को पूछते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। जयदीप भाई जरा बाहर तो आइए, कैसी लगी आपको रिक्शा? सही में इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतना फन हो रहा है, इतना मजा आ रहा है, कोई बात नहीं है। मतलब उसकी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इतना सारा कीचड़ है, ठीक है, इतने सारे कीचड़ हुई गाड़ी इतनी मस्त स्मूथली चल रही है, इतना अच्छा ग्रिप है इसका, इसकी कोई बात नहीं है। अच्छा तो आप मेरे को बताइए आपको इसका टॉप स्पीड कैसा लगा? अपना टॉप स्पीड जो है 40-41 का है। एक खाली रिक्शा तो इतना चल रहा है, बाकी आपका अगर इसको लोड करेंगे तो बाद में आराम से आपका 35 तक चलेगा ही चलेगा। कमाल है, कमाल है। और आपको इसका जो परफॉर्मेंस है ये जो कीचड़ के अंदर वो कैसा लगा? इतना स्मूथ है गाड़ी, पूरा टॉक है, पूरा ग्रिप उसको मिल रहा है, पूरा पावर यूज कर रही है गाड़ी, एकदम मस्त, एकदम स्मूथली चल रहा है इसके अंदर भी। मैंने देखा आपने यहाँ पर काफी जगह पर, मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी शायद से फंस जाएगी, लेकिन आप चला रहे थे, आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा डर था, और अगर डर था तो क्या हुआ, उसका रिस्पांस कैसा मिला? एक्चुअली कीचड़ देखने से पहले मुझे भी डर था, लेकिन जब मैंने गाड़ी उसके कीचड़ में डाली तो इतना अच्छा सा, मतलब गाड़ी निकल गई आराम से, इतना मजा आया सच में, मतलब बहुत मजा आया। और मैंने देखा बीच में आप कुछ किसी पत्थर के ऊपर से भी गाड़ी चला रहे थे। हाँ, मैं जस्ट टॉक वो अगर चेक कर रहा था कि गाड़ी चढ़ जाएगी नहीं चढ़ जाएगी, गाड़ी आराम से पत्थर के ऊपर भी चढ़ गई। मैं तो 5-5 पूरे 5 होगा भाई। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या आप लोगों को ये रिकमेंड करेंगे इलेक्ट्रिक रिक्शा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि पेट्रोल रिक्शा चलाने से अच्छा है ये वाली रिक्शा लो। आपने देखा बीच में कि CNG की लाइन पे खड़े हैं, वो सब झंझट तो नहीं ना एटलीस्ट, और इतना परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा है, रेंज भी इतनी अच्छी मिल रही है, और सस्ती भी पड़ रही है गाड़ी, तो यही चलानी चाहिए। चलिए बिल्कुल शुक्रिया जयदीप भाई। तो गाइस अगर आपको भी इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदनी है तो आप हमको कॉल ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं तो आपको एक बेटर डील दी जाएगी, यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा, इसके साथ साथ आपको सब्सिडीज भी मिलती है, तो आप बस वहाँ पर जाकर मेरा नाम दीजिएगा, आपको गाड़ी अच्छे से मिल जाएगी। शुक्रिया गाइस।